ओम शांति। आज 26 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम्हें बाप समान निरअहंकारी और देही अभिमानी बनना है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा होने के बावजूद भी बाबा को कभी अहंकार नहीं आया, हमेशा निरअहंकारी रहे। और बाबा कहे, माताओं को वंदे मातरम कहा, तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। इसीलिए ब्रह्मा बाप की मत भी शिव बाबा की श्रीमत की तरह मशहूर है, क्योंकि शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा बाबा भी है। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा अगर कोई मत देता है तो भी हमेशा यही समझो कि इसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि अगर कुछ गलत भी हो गया तो शिव बाबा सही कर देता है। शिव बाबा श्रीमत देते हैं तो ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बन करके हर श्रीमत को पालन करते हैं। इसी तरह हम बच्चों को भी बाबा की हर श्रीमत को पालन करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। ए मीठे लाल, आज बाबा बहुत प्यार से मीठे बच्चे नहीं कहते, लेकिन कहते हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरअहंकारी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं, तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है, माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, कहते हैं जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ है ही, बाबा उसको कंफर्म कर देते, जो बाप के बने हैं वो बाप के साथ है ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहां भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना, क्या करते भाई? तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, यादव कौरव बहुत है,
पांडव बहुत थोड़े हैं, गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो कयो बहु परिवार, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं, यह है पांडव गवर्नमेंट। श्रीमत पर चलने वाले यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं और साथ साथ भारत का बेड़ा भी पार करते हैं। यादव और कौरव के पास कितने महल है, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। तीन पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं है, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है शास्त्र में, इसका भी गायन है। जिनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं जुआ खेला। पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य, न है जुआ की बात, यह सब झूठ है। जुआ खेलने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बरोबर पांडव हो, शिव बाबा के रूहानी पंडा। बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुखवंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवाकर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं इनका यानी ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है कि ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक और न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर, बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूं, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव, देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया है।
माया तुमको देह अभिमानी बनाती है, रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा यानी स्वर्ग की राजाई, बस देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा है यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वह निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा यानी टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं। यादों का क्रोध बढ़ेगा। बाबा कहे दुनिया के अंदर यादों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडव का राज्य तो है नहीं, तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। बाबा कहे दुनिया वालों का तो बहुत दबदबा है, तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान सिवाय नारायणी नशा के। देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी दो है बड़े दुश्मन। इसमें भी दो बड़े दुश्मन है। नंबर वार तो होते हैं ना, काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त है, तो इन भूतों पर विजय पानी है। आज बाबा ने सारे विकारों के ऊपर किस तरह से वो नुकसान करते हैं और क्यों उसके ऊपर विजय पानी है उसका रहस्य स्पष्ट किया। बाप कहते हैं अभी तुमको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, अहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंच बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर कोई बैरिस्टर कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना,
कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला, ये बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त को जीत ले। बरोबर, तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना, बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है, बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है, नारायणी नशा रहना चाहिए। बल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में शाहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा शाहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है, श्रेष्ठ बनेंगे नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है, बल यहां से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे, ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं, शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ी ही पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और बट्टी बननी थी तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। ऐसे परवरिश लेने के बाद भी कई भाग गए, माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो, कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएंगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को भी ये नहीं सिखाना है कि योग में बैठो, नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। बाबा का ये अनुभव है, इसलिए बाबा मना करते हैं। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे, बाबा कहे बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं तो क्यों ना उनको याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रालब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहां सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं, यहां के ही पुरुषार्थ से प्रालब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है, ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी
आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना, बाबा कहे वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो, समझो शिव बाबा समझाते हैं। इसमें मम्मा तीखी है, मम्मा हर बात में ये स्मृति में रखती थी, करण करावनहार बाबा करा रहा है। बाबा निराकार निरअहंकारी है, तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरहंकारी बनना है तभी वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। वहां माया होती नहीं तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे, बाबा का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं, कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाती है, यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही ये मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोतरे पोतरियां। तुम जानते हो मम्मा नंबर वन जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो न सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियां हैं, एक साजन की अथवा सब बच्चे हैं एक बाप। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है, इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती है। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पापात्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक हरेक अपना वर्षा लेने वाले हैं, साक्षात्कार होता है। कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं? शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं, कुछ लेता नहीं हूं। अगर ये ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठिक्कर बित्तर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूं ये बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं एक पैसा देकर लाख लेता हूं, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूं। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा, गुप्त दान करना है क्योंकि बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं ये तो संकल्प में भी नहीं लाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान बच्चों के प्रति है, समय के महत्व को ज्ञान
व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारे विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारे विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.